तो ये है हमारी SSD और इसमें हमें इस तरह के पोर्ट दिए होते हैं SATA केबल लगाने की। ये है हमारी SATA केबल, ये हमने ऑनलाइन परचेज़ की थी और इसको इस तरीके से जैसे इसमें निशान दिया है उस तरीके से इस तरीके, और इसमें एरो से एरो मिला के इस तरीके से अंदर को पुश कीजिए और लग गई।